ने कहा कि अजमल कसब, अबे अजमल कसब गुजरात के चुनाव में कहां से आ गया? अजमल कसब का जिक्र किया ना, ये अजमल कसब कहां से आ गया? अरे अजमल कसब का जिक्र करके तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? और अजमल कसब के ताल्लुक से सुनो भाजपाइयों, जब अजमल कसब को फांसी दी गई थी, जिसने मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली से कत्ल किया था दहशतगर्द, वो अजमल कसब जब फांसी पर चढ़ाया गया, उसकी लाश को मुंबई के कब्रिस्तान के लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं है, इसको हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। ये भी तो बोलते ब्राह्मण साहब, मगर मुसलमान बोल रहा है ओवैसी आपको। अब पुलिस बोलेगी इसकी तकरीर में देखो कुछ मिलता क्या। अगर मेरे पे केस बुक होगा तो अनिरुद्ध पर भी केस बुक होना चाहिए। ये तारीख है अजमल कसब को जब फांसी दी गई थी। वारिस पठान कहां है? कब्रिस्तान में जगह नहीं दिए, बोले इसको हमारी भारत की जमीन में हम दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। ले जाकर कहां फेंके नहीं मालूम वो अजमल कसब को, शायद समंदर में फेंक दिए होंगे। मगर इनको क्या जरूरत है अजमल कसब की बात करने की।